हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज अपन दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी। तो गाइस, अपन पिछले एक वीडियो में देखा था कि अपन डोर से कैसे भाग सकते हैं, पर आज अपन देखने वाले कि अपन कार से कैसे भाग सकते हैं ग्रैनी के हाउस के अंदर से। मतलब ग्रैनी एक हाउस है जिसके अंदर अपने को ग्रैनी ने किडनैप करके रखे लिया, और अपने को घर से भागने का है। वैसे घर से भागने के सिर्फ दो ही मेथड से, एक है कार से और एक है डोर से। तो आज अपन डोर से भागने वाले, और उस ग्रैनी के हाउस के अंदर सिर्फ 5 दिन होते, आपको 5 दिन दिए जाते। 5 दिन के अंदर अपने को भागने का, और अगर आप नहीं भाग पाए तो अपन मर जाएंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है गाइस। और अभी क्या है ना कि अपन को कार से अगर भागने का है ना, तो कार से भाग अपने ऐसे डायरेक्टली भाग नहीं सकते। वो कार जो है, कार को अपने को पहले बनाना पड़ता है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों, तो यहाँ पर अपने को मेलन मिल चुका है गाइस। यहाँ पर अपने को क्या मिला है, मेलन मिला है। तो मेलन मिलने के बाद अपने को अभी क्या करेंगे अपन, क्या अभी जिस मेल, अभी इस मेलन को अपन जैसे अपन इसको फोड़ेंगे ना गाइस, तो अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसको मैं खोल रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि इमरजेंसी में क्या पता ग्रैनी आ जाए। तो अपने को ये एक भागने का एक तरीका है, मतलब भागने का एक वे हो गया ये। तो अभी अपन इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर इस मेलन को। अब जैसे अपन इसको काटते ना, अपन यहाँ पर कुछ मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलता है देखो, यहाँ पर अपने को मिला है मास्टर की, जो कि किसी काम का नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि कार को, कार से अगर अपने को भागने का है तो मास्टर की किस काम का है गाइस, क्योंकि मास्टर की जो है डोर के लिए लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में अभी शॉटगन का एक थर्ड पार्ट है। थर्ड नहीं बोल सकते, वैसे अपन इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। पता है क्योंकि अपने को ये फर्स्ट टाइम कोई अगर पार्ट मिल रहा है तो अपने को ये मिल रहा है। अब यहाँ पर स्पेशल की भी पड़ी है, अच्छी बात है वैसे। अभी स्पेशल की गिरी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर अपने को हैमर भी मिला है, अच्छी बात है। बहुत कुछ मिला है गाइस अपने को, बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या पता आगे जाके क्या मिलेगा, और पर यहाँ पे इतना सब कुछ अगर यहाँ पे मिला है अपने को तो अच्छी बात है वैसे। देखो यहाँ पे पैडलॉक की ज़रूरत है, यहाँ पे कार बैटरी, यहाँ पे इंजन पार्ट और स्पार्क प्लग। मैंने आपको ये इसलिए दिखा रहा गाइस क्योंकि कार से अपन डायरेक्टली भाग नहीं सकते, कार को अपन को करना पड़ेगा पहले रेडी। और कार को अगर रेडी करने का है तो कार के लिए किस किस क्या क्या ज़रूरी है। देखो यहाँ पे ग्रैनी आ गई है, मैं इसको पूरा घुमाने वाला हूँ। पता है क्यों, क्योंकि अपने को हैमर चाहिए अभी, और हैमर अपन डायरेक्टली जाके ले नहीं सकते क्योंकि अपन के पीछे अभी ग्रैनी पड़ चुकी है। देखो यहाँ पे ग्रैनी आ गई है, अब इसको उठाएंगे अपन हैमर को। वैसे अगर रियल लाइफ में अगर बताओ ना गाइस, अगर रियल लाइफ में ग्रैनी के हाउस, ग्रैनी ने अपन को किसी हाउस में अगर किडनैप करके रखा होता ना, तो मैं ग्रैनी को इस हैमर से ही मार डालता। पता है वैसे वो ग्रैनी मतलब एक चुड़ैल है गाइस, कुछ भी कर सकती, वो उसका हाउस है, वो कुछ भी कर सकती, क्या पता। मतलब अगर रियल लाइफ की अगर बात बोलो ना, तो अपने को किडनैप करती नहीं, वो डायरेक्टली मार डालेगी आपको, डायरेक्टली मार डालेगी अपने को। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैमर का पहले यूज़ करूँगा यहाँ पे एक जगह पे। वैसे तीन जगह पे अपन हैमर का यूज़ कर सकते हैं वैसे। तीन जगह अगर बोलूँ ना, तो एक तो डोर से भागने के, अगर डोर से अगर भागने का है अपने को, तो अपन यहाँ पे तीन जगह पे हैमर का यूज़ कर सकते हैं। बराबर अपन यहाँ पे कार से भागने वाले गाइस, पता है क्यों, क्यों क्या बोल रहे हैं अभी। यहाँ पे वही तो मिशन है अपना कि अपने को यहाँ से कार से अपन कैसे भाग सकते हैं। तो अभी कार से यहाँ पर भागेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे गिरा दूंगा। अभी यहाँ पे गिराने का पता है क्यों, जैसे मैं इसको गिराता हूँ ना गाइस, तो इस हाउस के अंदर एक शोर हो जाएगा। शोर होने की वजह से क्या होगा पता है, जो ग्रैनी है वो ग्रैनी वहीं पर आएंगे, और अपन इस साइड ये जो है अपने लिए फ्री हो जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है गाइस, तो पहले अभी अपन डायरेक्टली ऊपर जाएंगे अभी जहाँ पे। मतलब क्या पता है ना कि अगर पूरे हैमर का अगर यूज़ कर लिया ना अपन ने, तो उसके बाद अपन हैमर को फेंक देंगे ना, क्या पता। मतलब क्यों बार बार उसको यूज़ करने का, ठीक है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। वैसे अगर पता है, अगर ग्रैनी अगर गेम खेलने का है ना गाइस, तो ग्रैनी को जब तक अपन किल नहीं करेंगे ना यार, मतलब जब तक अपन ग्रैनी को मारेंगे ना यार, तब तक मज़ा ही नहीं आता इस गेम में। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे तरीके, यहाँ पर कहीं पर अपन छुप, कहीं पर भी अपन छुप सकते हैं। पता है ग्रैनी क्या है उसके अंदर, इतना कुछ तो है अपने पास, वैसे अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे, अभी यहाँ पर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, क्या पता है यहाँ पर ग्रैनी शायद। तो अगर आप लोगों को कुछ बताना चाहो ना गाइस, तो ग्रैनी मतलब एक ही रूम के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, नहाएंगे, एक ही रूम के अंदर नहाते हैं, और एक ही रूम के अंदर हग्गू भी करती साला। वैसे ग्रैनी की अगर हग्गू की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे अगर देखते कुछ मिलता है। हाँ, क्या बोलना था मैं, अगर ग्रैनी की अगर हग्गू की बात करें ना, तो ग्रैनी कहीं पर भी हग देती, पता क्यों। मतलब आपने देखा ही होगा वो ट्रैप जो होता है ना, जो अपने अपन के लिए जो ट्रैप होता है, मतलब वही ग्रैनी का पॉटी गाइस, ऐसा समझ लो। अभी अपन को मिला है वेपन की। वैसे अगर ग्रैनी को अगर किल करने का है, तो अपन कैसे किल कर सकते,
वो कुछ एक मेथड ऐसी भी गाइस कि मैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पता है क्यों? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है वो गाइस। वैसे पहले अगर बात बोलो ना, तो अपने अपन क्रॉसबो से उसको किल कर सकते हैं, शॉटगन से किल कर सकते हैं, फ्री स्ट्रैप से भी किल कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे अपने को मिला है सेकंड पार्ट मिला है शॉटगन का, तो अपन क्या करेंगे अभी शॉटगन के पास जाएंगे और सेकंड पार्ट वहाँ पे प्लेस करके आएंगे, जिससे क्या होगा पता है गाइस? अपन की शॉटगन वैसे 90% तो कंप्लीट हो जाएंगे, पता है 90%। वैसे 90% नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि तीन पार्ट में ग्रैनी ने उस शॉटगन को कट करके रखे लाए, पता है तीन पार्ट में। तो आप लोग तीन से डिवाइड कर लो और आपको आ जाएगा वो जो है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ आ रहा है यार, यहाँ पे तो मैंने पहले ही चेक किया था गाइस, पर मैं यहाँ पे भूल गया था पता है। अभी जाएंगे अपन ऊपर, ऊपर ने यहाँ पे मैं कुछ गिरा देता, हाँ यहाँ पे इसको मैं गिराता हूँ। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे हाँ ये जो है ना गाइस, अभी जो अपन ने बोर्ड दिखाया, देखो यहाँ पे बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, ये बोर्ड भी डोर के लिए है गाइस, कार के लिए कुछ नहीं है। कार के लिए वैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलो ना गाइस, तो वैसे सब पार्ट इंपॉर्टेंट है कार के लिए, पर अगर पैडलॉक की अगर मिल जाए तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अपन यहाँ से ऊपर जाने वाले गाइस, ऊपर ने ऐसा करते जहाँ पर अपन ने वेपन की को गिराए थे ना, वहीं पर चलेंगे। क्या अगर एक बार वेपन की मिल जाए ना गाइस, तो मैं क्या करूँगा, पहले ग्रैनी को किल करूँगा यार। मतलब खेल रहा मैं ग्रैनी, कब से ग्रैनी खेल रहा हूँ गाइस, और जब तक मैं ग्रैनी को किल नहीं करूँगा ना, तब तक साला सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मतलब क्या है ना, मतलब ग्रैनी की, मतलब ग्रैनी ने आपको किडनैप करके रखा है। मतलब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मतलब आपको ग्रैनी ने किडनैप करके रखा है। यहाँ पे विंच हैंडल, हाँ ग्रैनी ने आपको किडनैप करके रखा है, और आप ग्रैनी को मतलब उसके घर के अंदर मार रहे, तो क्या मज़ा आएगा पता है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे जल्दी तो नहीं आने वाली, मैं इसको ना रिलोड कर लेता हूँ। वैसे देखो ना, ये मतलब एक थर्मोमीटर की तरह एक सुई लग रहा है सुई है, और वो भी थर्मोमीटर की तरह। अभी यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को कुछ बता दूँ ना गाइस, अगर आप क्रॉसबो से फ्री स्ट्रैप से अगर किल करते हो ना गाइस, तो आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। अगर आप शॉटगन से अगर उसको किल करते तो आपको 30 सेकंड और एक्स्ट्रा मिलेंगे। और यहाँ पे अपने को अभी कटिंग प्लायर मिला था, अब यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अपने को रेंच मिल गया है, ठीक है। रेंच जो है गाइस वो इंजन पार्ट के लिए लगता है, क्योंकि अगर इंजन पार्ट जो है अपन डायरेक्टली उसके अंदर मतलब उसके ऊपर ऐसे डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते, तो रेंच का मतलब क्या है कि कुछ स्क्रू होते हैं उसको टाइट करने के लिए अपने को रेंच लगता है। और देखो यहाँ इस रूम में कुछ होगा तो देखते हैं, अभी यहाँ पर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अपने को। यहाँ पे सिर्फ वाटर मिला था, देखो गाइस यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसका मतलब इस रूम के अंदर अपने को सिर्फ वाटर मिला नहीं मिला है अभी, ठीक है। अपन जो विंच हैंडल लेंगे उसको उस कुएं के पास जाके उसको अपन डायरेक्ट उसको सेट करने वाले गए। अभी यहाँ पे इसको सेट किया और उसको अपन रोटेट करेंगे ना, तो कुएं के अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकल आएगा। वैसे ग्रैनी का हाथ भी आ सकता है, क्या पता खुद ग्रैनी आ जाए, पर यहाँ पे वैसा कुछ होने वाला है नहीं। मुझे ऐसा लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था, तब मुझे ऐसा लगा था कुछ ना कुछ क्या होगा पता नहीं, मेरी बहुत फट रही थी वैसे, पर यहाँ पे कुछ और ही निकल आया था। मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, तो मतलब वैसे हॉरर गेम है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, क्योंकि और मज़े आएंगे गेम में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को स्पार्क प्लग मिला है गाइस, स्पार्क प्लग मिला है, तो अपन मैं ऐसा करता हूँ पहले इसको जाके ना पहले गिरा दूँगा नीचे, फिर से जो स्पार्क प्लग है गाइस उसको मैं उठा लूँगा, और स्पार्क प्लग के बाद अपन रेंज को भी उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम आसान हो जाएगा अपना। क्योंकि क्या पता है कि अगर अपनों को घर से भागने का है तो, और मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक टाइम पे अपन सिर्फ एक ही मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को अपन उठा सकते हैं यहाँ पे, तो क्यों ना अपन बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेके जा नहीं सकते ना, तो मतलब कुछ कम टाइम में अपन क्या करने का। अभी यहाँ पे मैंने रेंज को भी उठाने जा रहा हूँ, स्पार्क प्लग तो मैंने पहले से उठा लिया है, इंजन पार्ट भी मैंने उठा लिया है, तो अभी वहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली मतलब बहुत सारा काम मेरा बच जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रैनी आ चुकी है, मतलब ग्रैनी जो है कहीं पर भी जिंदा हो सकती है, इतना ध्यान में रखना है अपने को। मतलब बहुत बहुत बार क्या हो जाता है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करूँ यार, मतलब करूँ तो करूँ क्या पता है। अभी यहाँ पे मैं पहले इंजन पार्ट को यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 6 स्क्रू आज आ गए, जिसको अपने को टाइट करने का है, वो भी अपन टाइट करने वाले। किससे टाइट करेंगे गाइस, अपन करेंगे टाइट रेंच से। अभी यहाँ पे स्पार्क प्लग लग चुका है, और यहाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रैनी आ चुकी है, पर यहाँ पे आप लोग चुपचाप बैठो, मतलब मैं जो यहाँ चुपचाप बैठूंगा गाइस, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास रेंच है ना, मतलब रेंच से मैं मतलब क्या कर सकता, आप लोगों को दिखे जाएंगा। अभी देखो उसको जाने देंगे अपन, वैसे मैं उसको कैसे भी कन्फ्यूज करके इस घर से बाहर निकाल सकता था। वैसे इस घर से अगर उसको बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अपन के पास कुछ था ही नहीं। मुझे खुद को
इस घर से इस रूम से बाहर आना पड़ेगा, और इस घर से जैसे मैं रूम और बाहर आ जाऊँगा तो मेरे साथ वो भी आ जाएंगी। वैसे मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है रेंज को। अभी मैं अभी आप लोग देखो यार, मैं अभी ग्रैंड को कैसे किल करता हूँ। देखो हाँ, मतलब अभी देखो यहाँ से मैं इसको जो है रेंज है यहाँ पे इसके अंदर गिरा दूँगा। इसके अंदर गिराने के बाद मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा, मतलब नीचे बैठ जाऊँगा यहाँ पे। देखो अभी आप लोग, मतलब जो अभी जैसे अभी मैंने रेंज को गिराया तो वापस शोर हो गया, और शोर होने की वजह से ग्रैनी वहीं पर आएंगे अभी। मतलब ग्रैनी का मतलब जो ग्रैनी जो गेम है वो लाइव गेम तो है नहीं, वो एक स्क्रिप्टेड गेम है गाइस, और उस गेम को अपने को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं डोर को जाके वहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ गाइस। देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, और अभी इसको भी करूँगा और इसको ऑन कर दूंगा गाइस। मतलब आप लोग देखो यार, ग्रैनी के हाउस के अंदर अपन ने एक रूम के अंदर ग्रैनी को अपन ने पैक कर डाला है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आपको नीचे दिखाया था मैंने कि वो एक ग्रैनी का पॉटी था। तो अभी अपन लेंगे यहाँ से स्पेशल की गाइस। स्पेशल की लगाने के बाद मतलब वैसे कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो यहाँ पे ग्रैनी अब 2 मिनट के लिए इस घर से जा चुकी है। वैसे कहाँ जाती पता नहीं, वैसे पर कहाँ आती ये तक नहीं पता अभी तक मुझे। अगर वो पता चल जाए ना गाइस तो मैं ग्रैनी की जहाँ पर जाएंगी ना वहाँ पर जाके उसकी मार के आऊँगा मैं, पता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है उसको उसकी मारना। उसको बोल नहीं सकता क्योंकि वो एक औरत है। वैसे उसका मतलब क्या करो यार, देखो यहाँ पे अपने को पार्ट मिला है शॉटगन का। वैसे शायद ये थर्ड पार्ट है गाइस। थर्ड पार्ट अगर मिला है तो मैं डायरेक्टली नीचे जा सकता था और थर्ड पार्ट को सेट करके मैं शॉटगन रेडी कर सकता था, पर वैसा कुछ करने वाला हूँ नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी कटिंग प्लायर तो अपने को मिला था ना आई थिंक। ठीक है, अपन कटिंग प्लायर को उठाएंगे, और कटिंग प्लायर को उठाते ही अपने को यहाँ पे कॉगव्हील भी मिलने वाला है, वो भी रेड कलर का। वैसे ब्राउन कलर का कॉगव्हील अपने को मिल चुका ऑलरेडी। उसके बाद अपने को गैसोलीन भी मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे तो नहीं, यहाँ पे 2 काम आप एक साथ करने वाले हैं। वैसे मैं किससे करता आप लोग देखो सिर्फ। ठीक है, अपन जाएंगे ऊपर। ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे शायद प्लेस कर किया था, यहाँ पे प्लैंक करना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लैंक किया है। और देखो गाइस, ये तो मुझे मतलब पता है इसलिए तो अच्छी बात है, पर अगर किसी को पता नहीं होता ना वो जो है ना। देखो यहाँ पे मतलब आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको ग्रैनी किल कर सकती है। वैसे ग्रैनी तो अगर ग्रैनी और अपन अगर फेस टू फेस आ जाए ना तब ही अपने को ग्रैनी किल कर सकती है। वैसे मैंने इसको यहाँ पे नीचे गिरा दिया है और इसको मैं साथ में लेके चलने वाला हूँ। पर वैसे मैं सोच रहा हूँ इसको भी नीचे गिरा दूँ, पर नहीं, इसको मैं साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी अपनी शॉटगन भी यहाँ पे रेडी हुई नहीं अभी तक, पर अपने को थर्ड पार्ट मिल गया गाइस। तो थर्ड पार्ट मिलने की वजह से अपन जाएंगे उसके पास जहाँ पे अपन ने उसको फेंक दिया था। अभी यहाँ पे कहाँ पर साला कलर यहाँ पे मैच हो गया उनका। ठीक है, यहाँ पर अपन ने थर्ड पार्ट उठा लिया है शॉटगन का, जिसकी वजह से अपन की शॉटगन जो है वो रेडी हो जाएंगे गाइस। अभी शॉटगन की यहाँ पे अपनी रेडी होने वाले गाइस। देखो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉटगन जो है अपनी रेडी हो चुकी है। पर मैं अभी डायरेक्टली किल कर सकता था ग्रैनी को, पर मैं वैसा कुछ करने वाला हूँ नहीं, पता है क्यों गाइस। मुझे ऐसा लगता है गैसोलीन को मैं उठा लेना मांगता, पर अभी जैसे मैं सोच रहा था पर मैंने ऐसा सोचा कि ग्रैनी को ऊपर किल कर दूँ। तो ग्रैनी जी यार, मैं यार यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा। ग्रैनी जी आप कहाँ हैं अभी, यहाँ पे मैं इसको गिरा दूँगा। ओ ग्रैनी आ जाओ ना ग्रैनी, मुझे आपको मारना है ग्रैनी। ग्रैनी आ जाओ, ओ ग्रैनी आ जाओ। अरे यार ये मिस हो गया अभी, क्या पता। ठीक है गाइस, अपन इसको जल्दी से अपनी गन को रिलोड करेंगे गाइस। गन को रिलोड करेंगे। अभी ग्रैनी जी आ जाओ ना, अभी फिर से अपने को उनको मारना है। ग्रैनी आ जाओ ना ग्रैनी जी, अभी ग्रैनी जी यहाँ पे आ गई, इसको मैं गिराऊंगा अभी। ग्रैनी क्या पता यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मैं इंतज़ार नहीं करने वाला। देखो यहाँ पे मैं इसको करूँगा शूट। क्या बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को 2 मिनट 30 सेकंड मिल जाएगा। कितना, 2 मिनट 30 सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अपन के हाउस के अंदर जो 1 मिनट जो है, 1 मिनट मतलब कैसा बोल सकते हैं यार, मैं खुद भूल गया क्या बोलने का था मुझे। ठीक है, अपन जाएंगे ऊपर। ग्रैनी जी ऐसी लेटी हुई यहाँ पे कि अपने को जाने भी नहीं, जाते भी नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या मतलब, क्या खौफ क्या है यहाँ पे ग्रैनी का, कि आप पर ग्रैनी मर चुकी फिर भी अपने को ऊपर जाना अपना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। फिर भी अपन जाएंगे क्योंकि अपने को ऊपर तो जाना है। अभी यहाँ पे ग्रैनी गायब हो चुके, तो अपन जाएंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। ऊपर जाने के बाद जो अपने को स्क्रू लटक रहा है ऊपर, पहले मैं तो उसको गिराऊंगा गाइस। देखो यहाँ पे जो स्क्रू है इसको मैं गिराऊंगा। ठीक है, इसको गिराने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है मैं वहाँ पर उसको छोड़ के आता हूँ। और उसके बाद ये जो गैसोलीन यहाँ पे पड़ा है इसको भी अपन उठा लेंगे और उसको भी नीचे फेंक देंगे, जो कि बेस फ्लोर पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। फिर अभी मैं गैसोलीन को भी उठाऊँगा।
अरे यहाँ यहाँ पीछे पीछे पीछे, ठीक है यहीं पर गैसोलीन पड़ी है गाइस। अभी मैं इसको उठा लिया है और इसको भी मैं नीचे फेंक दूंगा गाइस, क्योंकि इसकी वैसे बहुत ज़रूरत तो पड़ने वाली है। ठीक है, इसकी ज़रूरत तो पड़ गई गाइस। अभी मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जो शॉटगन है इसको भी मैं उठा लेता हूँ। और इसको उठाते अभी मैं क्या करता हूँ पहले, हाँ यार पहले इसको अभी अपने को रिलोड करना पड़ेगा गाइस। इसको रिलोड करने के बाद गाइस मैं एक और वेपन को रेडी करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फ्रीज ट्रैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक साथ आप दो बार एक साथ, मतलब देखो आपके पास दो वेपन रहने वाले, एक तो है फ्रीज ट्रैप। फ्रीज ट्रैप को अगर आपने प्लेस कर दिया ना तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मतलब जैसे अगर वो ऑफ है ना, मतलब वर्किंग कंडीशन में अगर नहीं है वो, तो वो रेड हो जाता है। पर अगर वर्किंग कंडीशन में आ जाए ना गाइस, तो देखो यहाँ पे कुछ दिखा था आपको धमाका। हाँ यहाँ पे मैंने आपको शूट किया, क्योंकि जो डोर है वो लॉक हो गया था, मतलब हो गया नहीं था, लॉक ही रहता है गाइस वो। और अपन जैसे उस रेड बबल, क्या बोल सकते हैं अपन उसको जो भी बोलना हो आपकी मर्ज़ी, ठीक है मैं बबल ही बोलूँगा उसको। ठीक है, वो जो बबल को जैसे अपन उसको शॉट करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे कुछ मिलता है तो नो गाइस, यहाँ पे अपने को शॉटगन का सेकंड पार्ट मिला था जो कि मैं भूल गया था गाइस। ठीक है, मैं जाऊँगा अभी शॉटगन को उठाऊँगा अपनी। यहाँ पे अंदर कुछ है क्या? ठीक है, यहाँ पे मीट रखा था, पर वैसे अपने को मीट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपने पास क्या है अभी शॉटगन है गाइस। वैसे अगर और एक अगर बात बोलूँ ना, तो अपने पास मतलब जो बर्ड सीड जो होता है, बर्ड सीड की भी अपने को ज़रूरत है नहीं गाइस। देखो आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी आप यहाँ पर ना इसको गिरा दूंगा, कि इसको अपनी जो गन को यहाँ पे फेंक दूंगा, क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर है अपन इसको यूज़ करने वाले, इसका यूज़ करेंगे अपन और अपने को कुछ मिल जाए। वैसे 90% मुझे यहाँ पे ना, जब भी मैं स्क्रू को मतलब जैसे अगर यहाँ पे कुछ निकालता हूँ ना, तो मुझे सेप की ही मिलता है गाइस। और यहाँ पे जो अपना फ्रीज ट्रैप है, उस फ्रीज ट्रैप ने अपना काम कर दिया गाइस, उसने और एक बार ग्रैनी को ख़त्म किया है गाइस। वैसे ख़त्म नहीं किया है, पर ग्रैनी 2 मिनट के लिए उसके घर से जा चुकी है। कहाँ पर गई है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए गाइस, क्योंकि मैं बहुत समय से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जाती कहाँ पे है। वैसे आप खुद का ही बोल लो गाइस, यहाँ पे अभी हाँ या मतलब गाइस आप खुद का ही बोल लो कि अपन जब मरते हैं ना गाइस, अपन जन्नत में जाते हैं या नरक में जाते हैं तो मुझे भी नहीं पता। पर यहाँ पे देखो गाइस, मतलब मैंने बहुत पहले से ही जो गैसोलीन था उसको मैंने यहाँ पे फेंका था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार बैटरी है उसको भी अपन ने लगा दिया, और अपन यहाँ पे जो फ्यूल भर रहे कार के अंदर वो भी। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि अपन का पूरा काम यहाँ पे हो चुका है, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारा काम अपना हो गया गाइस, अपने को अभी क्या चाहिए, सिर्फ पैडलॉक की। तो पैडलॉक की के लिए अपन जाएंगे, वैसे सर्च करेंगे क्या पर पैडलॉक अपने को मिल सकता है। वैसे ऊपर और एक जगह है, मतलब ग्रैनी का वो पेट ही बोल सकते हैं, मैं इसको छोटू बोलता हूँ यार, मतलब छोटू है, एक रूम के अंदर बंद रहता है हर बार, और मैं उसको उसी रूम के अंदर उसको बंद करने वाला हूँ गाइस। देखो यहाँ पे इसको पहले करेंगे रिलोड, देखो यहाँ पे छोटू पड़ा है, छोटू इसके अंदर है, अभी इसके अंदर छोटू है, तो मैं इसको इसके अंदर मतलब अंदर के अंदर ही लॉक करने वाला इसका। यहाँ पे जैसे रेड बटन को ओपन करेंगे ना क्लिक, वैसे क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अगर आप क्लिक करने जाएंगे ना गाइस, तो छोटू अपने को मार डालेगा, मतलब आपका एक डे यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपने को बर्ड सीड मिला है, पर मैं बर्ड सीड तो लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास शॉटगन है गाइस। शॉटगन अगर मेरे पास है तो मैं क्यों बर्ड सीड लूँगा, बराबर है ना। मेरे पास अगर शॉटगन है तो मैं डायरेक्टली जो क्रो है, मतलब जो कौवा है, ग्रैनी का कौवा भी है, देखो गाइस ग्रैनी का पेट है और ग्रैनी का अगर एक कौवा भी है, मतलब ग्रैनी मतलब बहुत शॉकिंग है यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है गाइस मुझे ग्रैनी। अभी यहाँ पे ग्रैनी मर चुकी है, वैसे अपना कुछ फ़ायदा हो सकता है तो देखेंगे, पर ग्रैनी कभी भी ज़िंदा हो सकती है, मतलब कभी भी नहीं, 2 मिनट के बाद वो ज़िंदा हो जाती है। अभी यहाँ पे मैं इसको उठाने वाला हूँ, अरे बाप 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 बाप, यहाँ पे मतलब देखो गाइस, नाम लेते शैतान हाजिर, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुझे लगा भी नहीं था कि ग्रैनी यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब ग्रैनी मतलब यहीं पर ज़िंदा हुई गाइस, और जैसे वो ज़िंदा हो गई तो उसने डायरेक्टली अपने को मार डाला, और अपना जो वन जो फर्स्ट डे वो फर्स्ट डे तो ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे सेकंड डे स्टार्ट हो गया, और मैं फिर से वहीं पर जाऊंगा जहाँ पर ग्रैनी ने आपको मतलब मुझे मारा था, तो मैं वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ करूंगा। वैसे मैं वैसे बहुत सारे जगह ऐसे कि जहाँ पे अपन छुप सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्टली नीचे जाऊंगा, नहीं 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 नीचे मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली अपना जो वेपन है शॉटगन इसी को उठा लेता हूँ मैं, क्या पता काम आ जाए। साइड से चला जाता हूँ, ठीक है साइड से जाऊँगा मैं, ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अभी आ गया हूँ यहाँ से बाहर। शॉटगन इसलिए चाहिए गाइस मुझे, क्योंकि पता है
अभी अपन ना इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको उठा नहीं सकते, अपने को इसको डायरेक्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको मार डाला और अभी यहाँ पे मैंने प्लेयर्स की उठा लिया। अभी देखो गाइस, अगर प्लेयर्स की अगर उठाए अपन तो डायरेक्टली प्लेयर्स की इससे कुछ हो नहीं सकता है। वैसे मैं इस कप को गिरा रहा हूँ, पता क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे शोर होगा ना गाइस, तो जो ग्रैनी है ग्रैनी यहाँ पर आएंगी और अपन ये जो साइड है दूसरी वाली साइड, ये आपके लिए फ्री हो जाएंगी। मतलब आपके लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप खेलेंगे गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्ट आता है इस गेम में, पता है। अभी मैं प्ले हाउस की लेने के लिए, मतलब प्ले हाउस की तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं जो अपना हाउस है प्ले हाउस वहाँ पे जाके एक ही को लगा दूंगा। पर ये जो एक टनल लगाई, ये टनल बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ से दूसरे साइड पे जाने के बहुत सारा टाइम लगता है, जो कि मुझे मतलब मैं खुद बहुत बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको अवॉइड ही करता हूँ। क्योंकि अपन इसको शॉर्टकट बोल नहीं सकते, इसको लॉन्ग कट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना आपके डायरेक्टली 7-8 सेकंड डायरेक्टली वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाऊँगा, ये जो आपको जो ब्लैक कलर की जो वायर दिख रही है ना गाइस, ये वायर कुछ नहीं है, मतलब एक तरह का अलर्ट है जो कि ग्रैनी को अलर्ट कर देता है। देखो यहाँ से अपन नीचे जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मतलब, हाँ पहले मैं ऐसा कर लेता गाइस कि अभी अपन इस नाले से तो आ रहे हैं, वैसे कभी आने का नहीं, क्योंकि पता है कि आपका जो पैर है वो गंदा हो सकता है। इसके अंदर जाके देखेंगे कुछ मिलता है, यहाँ पे मीट है, मीट का तो अपने को ज़रूरत है नहीं। वैसे जो मीट जो होता है ना गाइस, वो मीट पेट के लिए होता है। अगर जैसे अपन पेट को मतलब वो मीट देंगे, और जो जहाँ पे अपने को बर्ड से मिला था वो अपन डायरेक्टली उठा सकते थे, पर अपने पास क्या था, शॉटगन था। मतलब पावर देखो शॉटगन का क्या पावर है, मतलब कितना यूज़ हो सकता है इसका। अभी मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ पे गिरा दे, कोई ज़रूरत, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर गिराते ही ग्रैनी यहाँ पर आएंगी, पर यहाँ पे मतलब जो फ्री स्ट्रैप था, मैंने फ्री स्ट्रैप ऑलरेडी सेट करके रखा था गाइस, तो ये मतलब मेरे लिए अच्छी बात हो गई ना। तो ठीक है, मैं शॉटगन लेके अभी जाऊँगा, कहाँ पर जाने का वैसे मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर कुछ है, क्योंकि मैं भूल गया हूँ गाइस कि कॉगविल अभी है कहाँ पर। हाँ, एक कॉगविल तो यहाँ पर है, और रेड कलर का, ठीक है, इसको मैं उठा सकता, पर मैं क्या कर रहा गाइस, पहले मैं शॉटगन को ना रिलोड कर लेता हूँ। मतलब क्या पता ग्रैनी फिर से आ जाए और मैं इसको फिर से किल कर सका, तो बहुत अच्छी हो जाएंगी ना, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से अपन जाएंगे, एक शॉर्टकट है गाइस, तो यहाँ पे जाके अपन, मैं इसको कॉगविल नहीं बोलता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे गियर का तरह लगता है और मैं इसको गियर ही बोलता हूँ गाइस, क्योंकि उसका वर्किंग भी गियर की तरह ही है। अभी यहाँ पे मैंने रेड कॉगविल कहाँ पे रखा है, रेड गियर कहाँ पे रखा है यार, मैं खुद यहाँ पे भूल गया हूँ गाइस, कहाँ पर रखा हूँ मैंने, रुको मैं याद करता हूँ। देखो यार, मैं यहाँ पे ना शॉटगन उठाने वाला हूँ, अभी क्या पता बीच में, अभी यहाँ पे मैं सब कुछ ढूंढता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, क्या पता यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है गाइस। पर अपने को यहाँ पे सिर्फ वाटर मिला नहीं मिला था, पर मुझे अभी याद आया गाइस कि मैंने ऊपर ही अपना कॉगविल रखा था, जो कि रेड कलर का है, जो कि एक लास्ट हो सकता है अपना, मतलब इम्पोर्टेंट है वो बहुत। अभी जैसे अपन इसको लगाएंगे ना गाइस, क्या पता ऐसे मतलब एक हाथ आ जाएगा इसके अंदर से, पर मुझे नहीं लगता हाथ आएगा, क्योंकि यहाँ से पैडलॉक की आने वाला होगा, ऐसे बता नहीं सकते गाइस। यहाँ पे पैडलॉक की ही मिला है अपने को, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अपने को यहाँ पे पैडलॉक की ही मिला है। और अभी पैडलॉक की लेकर अपन जाएंगे बेस फ्लोर पे, तो बेस फ्लोर पे जाने के बाद अपने को कार पैडलॉक की तो मिल गया है, तो पैडलॉक की अपन जैसे वहाँ पे लगाएंगे, तो वहाँ पे जो मतलब जो जाने का जो वे अपने पास, मतलब कार को बाहर लेके जाने का घर से, पर अपन कार को डायरेक्ट बाहर नहीं लेके जा सकते, मतलब एक गैरेज की तरह है, और उस कार को पार्क करके रखा है वहाँ पे, और जिसका जो डोर है वो डोर, मतलब डोर का की क्या है, पैडलॉक की, देखो यहाँ पे ये डोर था, गैरेज की तरह लग रहा है यहाँ पे, शेड की तरह। देखो इसको ओपन करेंगे ऊपर, अभी ये देखो यहाँ पे जैसे लॉक गिरा है ना, अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे इस कार की को मैं उठाता हूँ ना, तो अपने जो पैडलॉक की गिर जाएंगे, और जिसकी वजह से शोर हो सकता है, जैसे शोर हो जाएगा ना गाइस तो अभी देखो इसको करेंगे अपन लॉक, ठीक है, इसको अभी करेंगे अपन स्टार्ट। जैसे स्टार्ट और करेंगे तो उसके कुछ रिवर्स फॉरवर्ड रहेगा, और जिसके वजह से अपन की जो कार है इस घर के बाहर आ जाएंगी, और अपना मिशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। देखो अभी यहाँ पे रिवर्स और फिर से अपन फॉरवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड जाते ही अपने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना गाइज, कैसे लगे वीडियो कमेंट भी करना गाइज़।